क्या नाम है आपका? मोहम्मद वहीद भट्ट नूरी जी। अच्छा भट्ट साहब, माशाल्लाह सुना है, हमारा बेसिकली चैनल इंटरटेनमेंट है, ठीक है, हम लोगों को हंसी प्रोवाइड करते हैं, दुख बड़े हैं बंदों के पास, बिल्कुल ठीक, तो क्या समझते हैं हम काम अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम है, और ये भी बल्कि मैं कहूँगा आप जिहाद कर रहे हैं इस दौर में। मैं बस बंदों के गुदगुदी करने आता हूँ, कुछ थोड़े से मुस्कुराहट ले के जाता हूँ और मुस्कुराहट उनको दे के जाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं अर्ज ये करूँगा कि मैं आपको हजूर की नात का एक शेर सुनाता हूँ, उससे सबसे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। जो बंदा सुनेगा आपको भी दुआ देगा, मुझे भी देगा इंशाल्लाह। बस बिस्मिल्लाह करें, आपको उसका एक शेर सुना देता हूँ। कैसे समझे गे तेरी शान जमाने वाले, कैसे समझे गे तेरी शान जमाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। शेर सुनिएगा, क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने वाले, ठहरो 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 के है वो जुल्फ हटाने। मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत ही प्यारी आवाज़। अल्लाह पाक ने आपको बहुत ही बड़े एक नेमत से नवाजा है, आपने राइट वे पे आप यूज़ कर रहे हैं वल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ सलामत रखे। ये नात का सदका है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से तकरीबन पूरी दुनिया में पढ़ चुका हूँ, यूरोप में नात, नॉर्वे, हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, हर जगह मैं जा रहा हूँ। ये हजूर के नात का सदका है सारा, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएँ हैं, और ये अल्लाह के खास कर्मों से करम है, क्योंकि जो नात पढ़ के खुशी मिलती है वो किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती, मेरा ईमान है। और अल्लाह करे, थोड़ी सी वजह ये भी है कि हम दीन से थोड़े दूर हैं, इसलिए हमसे खुशियां ज़रा रूठ गई हैं, ठीक है। तो अगर इस रास्ते पे हम गए तो अल्लाह इंशाल्लाह खास करम फरमाएगा। अल्लाह आपको भी खुश रखे और आपके इस चैनल को मजीद रखी हैं, तो अल्लाह ताला फरमाए और अल्लाह आपकी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। माशाल्लाह, मेरी तो रिक्वेस्ट, मैं तो अभी आपकी माशाल्लाह जान नहीं छोड़ूंगा, मैं सरकार की अभी और उनकी खिदमत में लब को शाही करवाना चाहता हूँ। क्या आप थोड़ा सा मुझे को ना, माशाल्लाह आवाज़ बहुत ही आपकी प्यारी है। एक पंजाबी का कलाम, उसके एक दो शेर सुनाता हूँ। लब ते सना होवे पूरी दुआ होवे, सामने सोना होवे आखरी सा होवे, लब ते सना होवे पूरी दुआ होवे आखरी सा, क्योंकि दुआइया कलाम है और क्या हो। दिल भी उदासा होवे सोने दा पासा होवे, हाथ विच कासा होवे बंदा गदा होवे, सना होवे पूरी दुआ होवे, सामने सोना होवे आखरी सा। एक शेर आपके लिए। अरबी नगीना वेख
नूरी खजीना वेखा शहर मदीना वेखा ताजा शिफा होवे लब ते सना होवे पूरी दुआ होवे सामने सोना होवे आखरी सा होवे। और आखरी शेर इश्क़े शबीर होवे प्यार दी अखीर होवे गाजी जे अवीर होवे ए जही वफा होवे लब ते सना होवे पूरी दुआ होवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह खुदा की कसम मेरे सारे ना जितने भी मैंने प्रोग्राम कर लिए ना अल्लाह की कसम करके कह रहा हूँ मैं उस रब्बे कायनात की कसम कि इस तरह का सुरूर मुझे आज तक मेरे जिस्म में मैं कोई गंदा काम नहीं लेके चल रहा आवाम को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ यार लोग इतने परेशान हैं वल्ला खुदा की कसम ये भाई से मिलकर मेरे को इतनी खुशी महसूस हुई है मेरे इधर आने का मकसद इधर ही पूरा हो गया। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं भाई को छोड़ूं इधर मैं कहूं यार यार पढ़ते जाओ मैं मदीने पहुंच जाऊं यार मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दावत दूंगा इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह इंडोर होगा मैं आपको तकलीफ दूंगा कि मेरे प्रोग्राम में तकलीफ नहीं ये मेरी खुशबख्ती हो गई जी सर हुजूर की नाद के लिए मुझे आप पूरी दुनिया में जहां मर्जी बुलाएं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूं और बगैर मुआवजे के जाता हूं बगैर लालच के जाता हूं इसीलिए सरकार पूरी दुनिया में मुझे घुमा भी रहे हैं फिरा भी रहे हैं सैर भी करा रहे हैं इस्ते भी दे रहे हैं शोहरत भी दे रहे हैं दौलत भी दे रहे हैं और बहुत सारा मुकाम भी दे रहे हैं ये सरकार के करम 14वीं दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पढ़ के आए हैं इटली हॉलैंड बेल्जियम नॉर्वे इंशाल्लाह ये मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद अदरीस बट साहब नक्शबंदी ये कपड़े की दुकान ही सारे माशाल्लाह हमारी अपनी है इससे इतने भी माशाल्लाह ये जो आप कावच लेके चल रहे हैं ना जी जी मैं कह रहा हूं कि आपने हक अदा कर दिया अल्लाह पाक ने आपको गला दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने नबी की नाद पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने हक अदा उनका तो जितना भी जिक्र कर लें सकता ही नहीं हो सकता उनका तो जिक्र बयान हो नहीं सकता जिक्र क़यामत तक आपका जिक्र बुलंद होता रहेगा बुलंद होता रहेगा मटा रहे हैं मिट नहीं सकता बेशक बेशक मिट जाएंगे मटाने वाले खुद मिटेंगे तेरा नाम मिटाने वाले अल्लाह अकबर बहुत शुक्रिया मेहरबानी थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कसम से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मैं आपको इधर बैठाऊँ मैं आपके इधर बैठूँ अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह सही बात है अल्लाह आपको खुश रखे ये सारा हुजूर की नात का सदका है जी हमारा कोई मकाम है ही नहीं हुजूर की नात का सदका जी सारा तो इंशाल्लाह आप मुझे हुक्म फरमाइएगा मैं आपको अपना कार्ड भी देता हूँ फ़ोन नंबर भी देता हूँ जहाँ भी आप बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं हाज़िर हो जाऊँगा इंशाल्लाह जड़ी बच गए जिंदगी दिल आंदे तेरी नात सुन दया नि बजा जड़ी बच गई जिंदगी दिल आंदे तेरी नात सुन दया नि बजा वे शाला हसन हुसैन दे नाने दी गलबात करें दया नि बजा वे शाला हसन हुसैन दे नाने दी गलबात करें दया नि बजा भाई ये ख्वाहिश थी मेरी और आपकी मौला मुश्किल कुशा की क्या हसरत और ख्वाहिश थी आपने वाक़या सुना है आपकी नमाज असर कज़ा हो रही है आपकी गोद में सरेनवर है मेरे आका का अब शेर सुनिएगा अली आख्या असर में वारी है तेरी जात जो ढेर प्यारी है अली आख्या असर में वारी है तेरी जात जो ढेर प्यारी है मेरी झोली विच तेरा सर होवे तेनू यार सवे दया नि बजा मेरी झोली विच तेरा
सर होवे तेनू यार सवेंदे आनी बजावे शाला हसन हुसैन दे नाने दी गल बात करेंदे आनी बजा। अभी मेराज गुजरी है जबरीले अमीन आए मेरे आका के तलबों को बोसा दिया, बोसा देने के बाद उनकी क्या हसरत और ख्वाहिश सुनिएगा। के जिब्राइल ने सोने नू उस सोने ते मन मोड़े, के जिब्राइल ने सोने नू उस सोने ते मन मोड़े नू इको सिख है अरबी चन माया तेरे पैर चुमे दया निभजावे, इको सिख है अरबी चन माया तेरे पैर चुमे दया निभजावे। एक शेर मैं आपके लिए खसूसी पढ़ना चाहता हूँ उनके लिए जो जनाबे बीबी फिजा के नाम से वाकफ है। फिजा वो है हबश की मलका है, नाम मेमूना है, आपने तख्त को ठोकर मारी हसनैन क्रीमैन की नौकरी के लिए आ गई। आप पाक जारा घर घर में रहती हैं और पाक जारा की बारगाह में कार्य करती हैं। तेरे घर विच जारा रानिया मैं फिजाए हो जानिया, तेरे घर विच जारा रानिया तेरे घर विच जारा तेरे घर विच जारा रानिया तेरे घर विच जारा रानिया तेरे घर विच जारा रानिया मैं फिजाए हो जानिया, मेरी गोद च हसन हुसैन होवन तेरे लाल खड़े दया निभजा, मेरी गोद च हसन हुसैन होवन तेरे लाल खड़े दया निभजावे। मेरी गोद च हसन हुसैन होवन तेरे लाल खड़े दया निभजा। आखिरी शेर है, हम हजूर को मानते हैं, हजूर की आल को मानते हैं, हजूर के असहाब को मानते हैं, जनाब सैयदना हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला आपकी क्या हजरत और ख्वाहिश। आखिरी शेर के आ पाक सदीक ने गार होवे इक मैं होवा दूजा यार, के आ पाक सदीक ने गार होवे इक मैं होवा दूजा यार होवे, सप डंग मारे पावे लखवारी डंग यार जले दया निभजा, सप डंग मारे भावे लखवारी डंग यार जले दया निभजावे, शाला हसन हुसैन दे नाने दी गल बात करे दया निभजावे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आवाज़ आपकी सलामत रखे, आपने तो माशाल्लाह अशकू से हमें नाजरीन हवतनु हजरत मैं आई एम स्पीचलेस, मैं मेरे पास लफ्ज़ नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे यार, मैं इंशाल्लाह दोबारा इनको मैं मदु करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा कितना अरसा हो गया आपको इस हुजूर की नौकरी करते हुए? असल में ये मुझे अपनी गुट्टी में मिला अपनी माँ की तरफ से, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। मेरी वालदा अपने मोहल्ले में कुरान पाक पढ़ाती थी, नमाज तस्बी और नमाज तरावी और ख़त्म शरीफ मेरी वालदा पढ़ाती थी। यही आलम था मेरी नानी जान का, उन्होंने अपने गाँव में तीन पुश्तों को पढ़ाया, आपको पढ़ाया, आपके बच्चों को पढ़ाया, उनके बच्चों को पढ़ाया, और ये नात खानी मुझे मेरी माँ की गुट्टी में मिली और ये मेरी माँ की खसूसी दुआ है। मैं अपनी वालदा को कुछ हादसा होगा तो उनका ये कूला जो निकल गया था तो बीमार हो गई, तो मैं अपने कंधों पर बैठा कर उनको छत पे लेके जाता था, तो सुबह मैं अपने कंधों पर बैठा के लाता, जब आधी सीढ़ियाँ क्रॉस करता तो मेरी वालदा मुझे एक दुआ देती, वो पंजाबी में कहती जा पुत्र अल्लाह तनु हजूर दे रंग लाए, और ये मेरी माँ की दुआएँ हैं और वाकई मुझे हजूर के रंग लगे हैं जी, और देखें ना कहाँ लाला मुसर कहाँ नारवे, और ये अलहमद एक दफ़ा नहीं
14 दफ़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ चुका हूँ, और वैसे ही ये मुझे बचपन से शौक़ है जी। और बड़ी बड़ी जो मुल्की सियासी पार्टियाँ जैसे सदर मुशरफ हो गए, बड़ी बड़ी उनके सामने मैंने ये नात पढ़ी है, और ये सबसे बड़ा एजाज़ है कि मैं हजूर का नात खां हूँ, इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं है। हाँ जी, बादशाहत एक साइड पे, हजूर की नौकरी एक साइड पे, इनके तो फकीर ही नहीं मान। हजूर के गलियों के जो फिरने वाले मांगने वाले हैं वो ही नहीं मान, तो उनके सहाबा का आलम क्या होगा, अहले बैत का आलम क्या होगा। हम तो वो ताबीर ही नहीं कर सकते, उनके फकीर की ताबीर ही नहीं कर सकते, अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। ये नवाजा हुआ है हुजूर की तरफ से, ये हजाने कम नहीं होंगे। ठीक है, अल्लाह पाक मजीद कोई दो शेर, मैं अब बहुत टाइम ले चुका हूँ आपका। अब आपको खालिस्तान मदीना शरीफ की हाजिरी सुनाता हूँ कि कैसी होनी चाहिए, वो सुनिएगा आप इंशाल्लाह, मैं उसको दो शेर आपके पढ़ता हूँ। जदों सा खरी होमर मदीने दे गली होवे, जदों सा खरी होमर मदीने दे गली होवे, जदों सा खरी होवे मदीने दी गली होवे, नबी दी पाक चौकट ते खत्म में जिंदगी होवे, नबी दी पाक चौकट ते खत्म में जिंदगी होवे। ताकि भाई अल्लाह करे हम सब मदीना शरीफ चले जाए, बंदा मदीना शरीफ में हो उसकी नज़र जाली मुबारक पे पड़े, बंदे के मुंह से निकले मैं सदके या रसूल अल्लाह, और बंदे की रूह परवाज़ हो जाए। आप शेर सुनिएगा। हाय नजर जाली ते टिक जावे बड़ा सोने दिया नाता, नजर जाली ते टिक जावे बड़ा सोने दिया नाता, मैं सदके या रसूल अल्लाह ए मिसरा आखरी होवे, मैं सदके या रसूल अल्लाह ए मिसरा आखरी होवे। इस नात का आखिरी शेर। हाँ मैनू वक्ते नजा सोना करा दे दीद इंज अपनी, मैनू वक्ते नजा सोना करा दे दीद इंज अपनी, सखी हसनैन भी होवन मेरा मौला अली होवे, सखी हसनैन
आपका ज़ौक देखते हुए इसका मकता सुनी और आपके लिए साकिब भाई। बतूले पाक दा सदका मिले इमरान आजिज नू, बतूले पाक दा सदका कफन इसदा मुहम्मद दे दबारे दी दरी होवे, कफन इसदा मुहम्मद दे दबारे दी दरी होवे। जियो जियो, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे आपको, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ को बुलंद और मजीद अल्लाह ताला इनकी इनमें बरकतें डाले। और साकिब साहब, सब तो वड्डी अल्लाह दी खास मेहरबानी, तुसी एक घंटा नहीं, दो घंटे नहीं, तीन घंटे, पाँच घंटे सुनते रहो बगैर माइक तो, बड़े बड़े नाथ हाँ, एक दो नाथ तो माइक तो बगैर छुट्टी। यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आप यकीन कीजिए, मुझे मेरी 50 साल उम्र है और मुझे 25 साल हो गए मुसलसल मेडिसिन यूज़ करते हुए, 25 साल अभी तक मुझे काफ़ी टीबी हुई, दो दफ़ा वो हुई, फिर गुर्दा मेरा ऑपरेशन हुआ 2017, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मेरे दो स्टंट पड़े हुए हैं, लेकिन ये हजूर के नारायण पाक और नात का सदका को बंदा साबित नहीं कर सकता कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरे मुझ पर इतना कर्म, और 1996 का टाइटल है मेरे पास, 1996 का बॉडी बिल्डिंग का, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आपको तस्वीर दिखाता हूँ। मेरा ये शौक ये भी था जी, ये देखें जी, ये जी मेरी जवानी की तस्वीर है जी, 1996 मिस्टर लाला मूसा, ये भी मेरा शौक था बॉडी बिल्डिंग में, इसमें भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बड़ी करम नवाजी है। हाँ बेशक 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 बेशक, जो उस घर का हो जाता है उसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं आती, कोई कमी नहीं, बेशक 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 बेशक। मैं कहता हूँ ये बीमारियाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुदरती मौत अल्लाह के हाथ में है, बाकी अल्लाह पाक का बहुत ही करम है आप पर, माशाल्लाह 50 साल की उम्र में भी आप माशाल्लाह सही, ये करम है, नौकरे मुस्तफा पाक का सदका हुजूर, बेशक 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 बेशक। नूरी साहब माशाल्लाह नॉर्वे में थे तो माशाल्लाह उधर एक गोरा ने इनका इंटरव्यू लिया, माशाल्लाह सुबह निन्ने पेट, पंजाबी जिन्होंने कहना निन्ने पेट, दो घंटे माशाल्लाह ना थानी हुई, वो कहते नूरी साहब तुम कि खुराक खाते हो कि तुम पानी तक नहीं पीता, मुसलसल सरकार की ना तुम चला रहे हो। रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग थी, किसी दोस्त ने कहा कि हम पैसे लगाते हैं आप हमारी हमारे लिए कोई ना केस रिलीज़ करें, तो गोरे के पास मैंने मुसलसल दो घंटे बैठ के पढ़ दिया, तो वो कहने लगा वो भाई ये बंदा है या भला है कोई, मैंने उसको बोला नहीं भला नहीं, ये हजूर की करम नवाजी है, आप नहीं समझोगे, ये नात की खुराक है जो हमारे अंदर होती है, ये ताकत भी हजूर अता फरमाते हैं, जोग भी हजूर अता फरमाते हैं, और मदद भी हजूर फरमाते हैं, सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके जोग को बुलंद रखे, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला यार जो हम नहीं मांग सकते अल्लाह ताला आपको वो भी आपको मुहैया करे। माशाल्लाह ये भी हो गया जी, वो क्या कहते हैं कि हजूर के नौकरों के पास बैठ जाओ ना भाई, आपको कुछ फैज़ मिलेगा ज़रूर। ये तो नाज़रीन अभी नूरी साहब के बड़े भाई साहब के पास मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, और इनके जो ये सेटअप लगा हुआ है ये सारे इनके प्राइस वगैरह आपसे शेयर भी करेंगे, और दूसरे बाज़ार से डिफरेंस भी आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस है। ठीक है आइए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। साहब क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद अदरीस भट्ट। अच्छा अदरीस साहब, ये कितना अर्सा हो गया आपको ये कारोबार करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल हो गए हैं ये कपड़े का काम करते हुए, 35 साल
35 साल हो गया माशाल्लाह। अच्छा, इस 35 साल में आपने जो सेटअप आपने किया है पिछले जो 2 साल गुजरे हैं उसका कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दें, और आपने कुछ प्रोडक्ट का रेट वगैरह बताएं, और दूसरे जो शॉप्स वगैरह हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस जो भी आपका आ रहा है माशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि हम बस जस्ट थोड़ा सा लेते हैं जी, ज़्यादा हम नहीं वो छुरी रखी हुई दूसरों की तरह। बेशक मेरा ईमान है कि जो बंदा थोड़े नफ़े पे चीज़ दे देता है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। मैं ईमान से कहता हूँ जो बाज़ार में चीज़ 3500-4000 की होगी मेरी दुकान पे 2500 रुपये की होगी। बेटा एक फ्रॉक दिखाना माशाल्लाह, ये माशाल्लाह लॉन्ग फ्रॉक है, पूरे बाज़ार में इसकी कीमत 4045 रुपये है। ये माशाल्लाह ये वाली पूरे बाज़ार में 4045 रुपये कीमत है इसकी, हम देंगे आपको 2500 रुपये में। पूरे लाले मुस्लिम में हमारा चैलेंज है, इंशाल्लाह इस रेट पे कोई नहीं देता। बेटा खोल के दिखाओ जी, ये लॉन्ग फ्रॉक होती है, पूरे बाज़ार में इसका रेट है 4000, ये मिलेगी 2500 रुपये में। ये नीचे रखो जी बेटा, जो आजकल ब्रेडेड धुलने वाली नई चीज़ आई है, खोलो जी, खोल के दिखाओ जी। ये छोटे बाज़ार नलके वाली गली हमारे लाला मुसा की मशहूर है, बैक साइड बुटीक, लाजी फ्रंट बुटीक, जिधर से मर्दी पता कर लें। 8000-10000-12000 कीमत मांगते हैं, ये मेरे भाई को मिलेगी सिर्फ 4500 रुपये में, 4500 में। ये गारंटी के साथ बोलूँगा कोई नहीं देगा इंशाल्लाह, नफ़ा ज़रूर लेता हूँ हक लाल का, 100-200 रुपया नफ़ा ज़रूर लेता हूँ। दुपट्टा भी खोल के दिखाओ बेटा इसका, ये जो बेटियाँ मेरी कोई शादी वगैरह के लिए इस्तेमाल करें दुल्हन वगैरह वाले के लिए, बिल्कुल मुनासिब रेंज, बिल्कुल मुनासिब रेट। एक लहंगा कुर्ती दिखाओ बेटा ऊपर से, अक्सर शादियों में दुल्हन का जो लहंगा होता है वो सबसे कीमती होता है, अक्सर दुकानदार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा लगाते हैं। ये मेरे पास चीज़ आई है लहंगा कुर्ती में, पूरे लाला मुसा में बल्कि पूरा ज़िला गुजरात में गारंटी के साथ बोलूँगा, ये बाज़ार में लहंगा कुर्ती आपको देंगे, कोई 12000 मांगेगा, कोई 15000 मांगेगा, कोई 10000 मांगेगा, हमारी दुकान पे ये मिलेगा आपको सिर्फ 5000 रुपये में, मुकम्मल दुल्हन का सेटअप सिर्फ 5000 में। आ बेटा इधर आओ, ओ तुम बड़ी मैक्सी पढ़ो, लॉन्ग मैक्सी पुल्ले पास से रेड कलर की, रेड हाँ जी। ये इस वक्त मैक्सी चल रही है बहुत ज़्यादा, अक्सर बड़ी दुकानों पे आपने देखा होगा ये मैक्सी, अक्सर दुकानदार 15000-18000 अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो बिस्मिल्लाह, पूरे बाज़ार में 15000-18000, हमारी दुकान पे मिलेगी ये सिर्फ़ आपको 5000 रुपये में। ये गारंटी के साथ बात बोलूँगा इंशाल्लाह, पूरे लाला मुसा में नहीं पूरे ज़िला गुजरात में इस रेट पे नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा चैलेंज है गारंटी के साथ, क्योंकि मुझे खास माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है इस चीज़ में 35 साल का तजर्बा है मेरा। मैं कहता हूँ अगर मेरी एक बेटी खुश जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं इससे खुली बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बेटी को कोई मेरी चीज़ नहीं पसंद आती, अगर वो नहीं लेना चाहती, वो बगैर किसी वजह के मेरे से पैसे आके ले सकती है, तब्दील करना चाहे तब्दील कर ले, पैसे लेना चाहे पैसे ले ले, मेरे कार्ड पर ऊपर मैं लिख के दे दूँगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, अपनी दुकान का एड्रेस वगैरह आप बता। मेरी दुकान का एड्रेस है जनाब अदरीस फैब्रिक्स एंड अली बुटीक, इसको हम बोलते हैं कश्मीरी बाज़ार, अल मशहूर पुरानी से गली बोलते हैं दीना चकिया बाज़ार, कुछ बंदे डीपू बाज़ार भी बोलते हैं इसे। ये लाला मुसा के मेन बाज़ार के बिल्कुल साथ है, लाला मुसा के मेन बाज़ार के बिल्कुल साथ है जी हाँ। अदरीस फैब्रिक्स नाम है मेरी दुकान का, एंड अली बुटीक सेंटर कश्मीरी बाज़ार गली दीना चकिया अल मशरूफ माशाल्लाह बट दी हट्टी, पंजाबी जी को बट दी हट्टी, 35 साल से ये हमारी दुकान है, इधर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस गली में 6 दुकानें हैं, 6 की 6 मेरे भाई की है, इसके अलावा हमारी 3 दुकानें जलालपुर जट्टे हैं, फिक्स प्राइस लाला मुसा की हट्टी फिक्स प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुकान पर भी जाके देख लें, सुबह 9 बजे से 11 बजे उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, आके वापसी करें, तब्दील करें, पैसे ले जाएँ, उनकी दुकान की ये सिफत है। अल मशहूर लाले मुसा की हट्टी, उनकी दुकान की सिफत है, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे सुबह सुबह आएँ, अपने आके पैसे वापस ले लें, तब्दील करना चाहें तब्दील करें, पैसे लेना चाहें पैसे ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनका ही भाई हूँ, वो भी हमारी दुकानें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर चलते हुए मेरा इंशाल्लाह कम से कम जो काटन नहीं बेटा ये वो दिखाना, अक्सर दुकानों पर आप जाते हैं काटन के रेट चेक करते हैं, कोई 2500 मांगता है, कोई 3000 मांगता है,
एस बी वालों की, बेटा खोलो लेवल दिखाओ, चेक करो, जबरदस्त माशाल्लाह, ना 3500 ना 3000, छोटे बाजार नलके वाली गली 3500 3000 में, सिर्फ 1500 में, ये गारंटी के साथ होगा, सिर्फ 1500 रुपए में, शाइनिंग वाली जबरदस्त कॉटन, बहुत जबरदस्त। ए अलकर माल दिखाना बेटा। नाजरीन हवा हजरात, बहुत ही जायज़ मुनासिब रेट हैं, ये रेट सुन के तो मैं खुद हैरान हो रहा हूँ, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग हमारे चैनल के तवसल से आते हैं आज साहब, और आपको डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आपसे इनसे जितना हो सका आपसे ज़रूर तावन करेंगे। आइए, ये जो एड्रेस बता रहे हैं हाफिज़ इदरीस साहब, इनकी जो दुकान पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, ये चीज़ नहीं, चीज़ में भी कोई कमी बेशी नहीं होगी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ इंशाल्लाह, कोई आपको अगर शिकायत का कोई मौका आपको नहीं देंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ चेंजिंग वगैरह का मसला आ रहा है जी, कुछ चेंज कराना चाहते हैं, बिला झिझक आप आएँ और हाफ साहब से चेंज करवा सकते हैं, ये दूसरे दुकानदारों की तरह नहीं है भाई, ये चेंज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इंशाल्लाह बहुत ही आपके साथ तावन करेंगे। ये हमारे पास कॉटन है अलकरम वालों की, पूरे बाज़ार में पड़ी हुई है, खोलो बेटा, कोई 3000 कोई 3500 नहीं, आम दुकानदार पे 3500, ये भी 1500 रुपये में मिलेगी, ये अलकरम वालों को एक नंबर, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी गारंटी होगी, इसके हर गज़ पे स्टैंप होती है। अब सब बुरे वाला खोलना, ये बुरे वाला बगैर माया के बड़ी से बड़ी दुकान पे चले जाएं, इसका लेबल दिखाएं जी, इसकी ब्रांड चेक कराएं, बुरे वाला बैक साइड दिखाएं बेटा, ओरिजिनल असल बुरे वाला, ये चीज़ हाँ जी, जिधर से मर्दी पता करें, इसका रेट पूरे बाज़ार में 2500 रुपया 3000 रुपया, ना 2500 ना 3000, आपकी इज़्ज़त होगी 1500 रुपये में। मेरा लाला मुसा में चैलेंज है, बुरे वाला असल अलकरम वाल बुरा वाला, एक नंबर एसबी वालों की, इसके हर गज़ पे स्टैंप होगी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 3500 नहीं कोई 3000 नहीं, सिर्फ आपको मिलेगा ये 1500 में। इसमें कम अज़ कम मेरे पास 20 कलर पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें 20 रंग हैं, इसमें 20 रंग हैं, 20 रंग हैं, एक हम मिक्स कपड़ा बोलते हैं जिसे वॉश एंड वेयर, ना 2000 ना 2500 ना 1500, सिर्फ 1000 में शाइनिंग वाला जी बेटा, ठीक है। पूरे बाज़ार में शाइनिंग वाला सूट, गर्मियों वाला स्विस कपड़ा इसे बोलते हैं हम, इसके ओरिजिनल असल, ये आपको मिलेगा सिर्फ 1000 में। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलता हूँ, ये ऐसे देखें जी, बुर की रंग की गारंटी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी दुकान का दावा है, कपड़े पे बुरा आ जाए, मरोड़ी आ जाए, रंग ख़राब हो जाए, सिले सूट की गारंटी है, वापस हो सकता है, पैसे मिलेंगे, सिलाई के पैसे दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा दावा है। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल के थ्रू आते हैं, ये रेट आपको जो बता रहे हैं उसी रेट पे आपको इंशाल्लाह मिलेगा, दूसरे बाज़ार की निस्बत इधर रेट बहुत कम है, मैं तो खुद हैरान हूँ, मैंने बाज़ार फिर के देखा है, देखा हुआ मैं चीज़ें वगैरह लेता रहता हूँ, तो अभी इधर आया हूँ, हाज साहब की ये माशाल्लाह ज़रा नवाजिश और इनका माशाल्लाह शफकत है जो इन्होंने दिखाई है, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत डाले, माशाल्लाह बहुत ही गुड प्राइस और ही रीज़नेबल प्राइस हैं यार, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत डाले जी माशाल्लाह। मेरा नंबर वगैरह चाहिए तो ये नंबर वगैरह लिखा हुआ है, मैं नंबर वगैरह स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, स्क्रीन पे नंबर आएगा, ये हमारे पैनाफ्लेक्स पे भी लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना हुआ हमारे पास मौजूद हैं, हाजी अदरीस साहब के बेटे हैं, आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे सुनते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ मोहम्मद माजिद कादरी। माशाल्लाह माजिद भाई, ये कुरान आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ किया है, कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 5 से 6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको अच्छी आवाज़ से भी नवाजा है, कोई हमारी ऑडियंस को कोई आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ के प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है अगर आप कुछ अशआर हो जाएं। जी ज़रूर। मैं के बे चलाया हूँ
महफिल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहली आज मैं का हम पाया हूँ। आज मैं का हम जैसे मेरा माथा चूमा। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं। आज जज़ाकअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदहसना, बड़ी ही प्यारी आवाज़। माशाल्लाह हालत हुसैन और शाह साहब की, इन्होंने माशाल्लाह हालत साहब की याद ताज़ा कर दी है। शाह साहब के ये शागिर्द हैं, मसूर शाह साहब बुखारी। हाँ जी माशाल्लाह, शाह साहब के बहुत ही प्यारे शागिर्दों में से शागिर्द, आवाज़ भी इनकी बाकमाल और बंदे भी माशाल्लाह बाकमाल ही हैं। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ सलामत रखे जी, अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की दे। सर बहुत शुक्रिया, कोई आखिरी पैगाम? आखिरी पैगाम यही है कि जिस तरह तुसी खुश होकर चीज़ देंदे हो, उस तरह गाहकों को खुश होकर वापस लवो। ये साढ़े नबी दी हदीस मुबारक है। मेरा ईमान है कि जिन्हें सरकार दी हदीस ते अमल कर लिया, वो इत्थे भी कामयाब है ते उत्थे भी कामयाब है। अल्लाह ताला तुहानू सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। पूरे पाकिस्तान नू मेरी दुआवां ने और पूरी पाकिस्तान वास्ते मेरी दुआ है, अल्लाह ताला इनू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन हवातीन हज़रात, इंशाल्लाह हमारा जो प्लानिंग चल रही है नेक्स्ट प्रोग्राम, इंशाल्लाह मैं भाई को इंशाल्लाह ज़रूर मदऊ करूँगा, इनको ज़रूर बुलाऊँगा। हजूर की ना सुना कर इन्होंने मेरे कल्ब को जो रोशनी अता की है, जो ज़िक्र की रोशनी, और मेरा जो कल्ब मनवर हुआ है, ये बड़ी स्याही मटाने वाला है। तो अल्लाह पाक इनको जजाए हैर दे, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ मज़ीद लजीज और मज़ीद सुर में लाए। अल्लाह पाक माशाल्लाह कमी तो है ही कोई नहीं, मैं कहता हूँ कमी तो है ही कोई नहीं। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे और हमें भी लंबी ज़िंदगी दे, ताकि आप तक हम हजूर का ज़िक्र लेके आएँ, आपके लिए हम हंसियाँ लेके आएँ। इंशाल्लाह आपको हंसे हंसते हंसाते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। इसी पैगाम के साथ साकिब अली को इजाज़त दें। अल्लाह पाक तमाम मुल्क पाकिस्तान की हैर करे और खुशियाँ बांटें और दूसरों को खुश रखें जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी।